हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडिशन लाइव क्लासेस में। गाइस, जैसा कि आपको पता है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल टेस्ट चल रहा है, तो आज गर्ल्स का फिजिकल टेस्ट था और कल भी गर्ल्स का होगा, उसमें से मेल का फिजिकल टेस्ट भी आज है। गर्ल्स और बॉयज दोनों का फिजिकल टेस्ट है, तो इन कैंडिडेट से पूछते हैं कि इनका फिजिकल टेस्ट कैसा रहा या इनका होगा फिजिकल टेस्ट, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। आपका नाम सर? मेरा विक्रम। विक्रम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका ये फिजिकल टेस्ट स्पेशली हो गया या अभी होगा फिजिकल टेस्ट आपका? बस कुछ देर में होने वाला है, अभी मैं जाऊंगा तो। और आपने इसकी तैयारी कैसे की, स्ट्रेंथ को बताएंगे, क्या क्या आप इतना दौड़ते थे, क्या क्या खाते थे? तो जैसे नॉर्मल खाना होता है वो होता है, ग्रामीण एरिया है तो ग्रामीण एरिया सभी खाना होता है, सभी अच्छा खाना होता है, उसमें बड़ी वाली बात नहीं है। और दौड़ जो है वो फार्मर है तो हमारे पास 8-10 घोड़े हैं तो पकड़ने में दौड़ लगती है हमारी, ऐसे तो दौड़ की प्रैक्टिस करने में अलग से कोई प्रैक्टिस नहीं है। तो इसका जैसे आपने फिजिकल टेस्ट से पहले इसका रिटर्न एग्जामिनेशन होता है राजस्थान पुलिस का, तो वो आपने दिया है, तो उसमें आपको कितने अंक मिले? मेरे को उसमें 45 अंक मिले हैं, काफ़ी एग्जाम दिए राजस्थान कॉन्स्टेबल के, तो मैं 5 एग्जाम दे चुका हूँ, 5 एग्जाम देने के बाद में ये 5वां एग्जाम था। यानी इससे पहले आप 4 एग्जाम दे चुके हैं, तो इसके अलावा आप राजस्थान पुलिस के अलावा और कोई तैयारी भी कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, की कर रहा हूँ और इसके अलावा की तो आपको क्या लगता है कि आप इसमें सिलेक्शन हो जाएगा आपका दौड़ में? तो आपके अकॉर्डिंग आपने जो तैयारी की है तो आपके हिसाब से आपकी साइकोलॉजी आपकी मेंटेलिटी क्या है कि मुझे कितने अंक लाने हैं दौड़ में? नहीं, मैं 15 के लिए दौड़ूंगा, ऐसा के लिए मौसम का रहा या कुछ कल का जो भी एग्जाम होगी मेरी, क्या मौसम रहता है, कैसी व्यवस्था रहती है, 25 मिनट में कम होगी जो कम है, लेकिन मैं 10 नंबर के लिए दौड़ूंगा। यानी आप मेंटेलिटी आपकी कि आपको 10 अंक के लिए दौड़ना है, यानी उससे प्लस हो जाए तो एक अच्छी बात है। तो इन शॉर्ट आपकी जो मेंटली 10 पे केंद्रित आपकी है। और इसके अलावा आप स्टूडेंट्स को कुछ टिप देना चाहेंगे, जैसे कि आप बोले आप फार्मर हो, आप दौड़ते थे, आपने एक्सरसाइज कब से स्टार्ट की थी? आई मीन टू से कि जैसे आपका फिजिकल रिटन टेस्ट हो गया था, उसके बाद आपने एक्सरसाइज कब से स्टार्ट की थी, तो पहले से एक्सरसाइज या दौड़ वगैरह कर लेते? नहीं, जब रिटन टेस्ट हो गया उसके बाद में जब रिजल्ट आया उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि मेरा कंप्यूटर मिस्टेक से मेरा जो जेंडर था वो मैं फीमेल में हो गया और जब भी फीमेल में आया उसके लिए मैं यहाँ गए ऑफिस में चक्कर लगाता रहा, उसके बाद में मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसके बाद में हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट में 4-5 दिन को चक्कर लगा रहा हूँ, कल मेरा रिजल्ट आया, हाईकोर्ट ने आदेश दिया इसका फिजिकल लिया जाए, उसी बेस पे मेरा फिजिकल लिया। यानी आपको तैयारी का टाइम नहीं मिला फिजिकल? हाँ, टाइम नहीं, टाइम मेरे फिजिकल में टाइम था मेरे पास, लेकिन ये भाग दौड़ में पूरा हो गया। फिर भी आपने काफ़ी हद तक तैयारी अपने हिसाब से बेस्ट से बेस्ट की? हाँ, मेरी तैयारी जो है वो बचपन से चल रही है, अभी कोई बचपन की तैयारी नहीं है, ऐसी तैयारी चल रही है, दौड़ चलती रहती है। जैसे कि आप बोला फार्मर हो, तो जैसी बात है आप बचपन से उस क्राइटेरिया में ही हुआ, क्या वैसे स्टूडेंट्स को कुछ स्पेशल टिप्स देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ होता है कि दौड़ते समय भागे और लिमिट से भागे और थोड़ा 10-5 डिग्री फोकस करें, रोड निवासन देती है, पैरों को दबा के ना रखें, पैरों को ज़्यादा जोर ना दें, पैरों को जोड़ने की थकान जल्दी आती है, कुछ जल्दी ना आए, कुछ हल्का भोजन लेकर ही भागे, एक केला या एक एप्पल खा के जरूर भागे, ऐसे बिना कुछ खाए पे नहीं भागे। और जैसे कि आपने अभी अपने एग्जाम सेंटर ग्राउंड का निरीक्षण किया, देखा, समझा, तो आपको क्या लगा कि इसमें जो प्रशासन के द्वारा दी गई सुविधाएं हैं वो सारी सही हैं या बेस्ट है, इसमें कुछ फेरबदल करना चाहिए? प्रशासन द्वारा दी हुई सभी सुविधाएं वैसे तो बेस्ट है, कोई गुंजाइश की कोई बात नहीं है, सभी अच्छे व्यवहार भी अच्छा कर रहे हैं, पुलिस वाले ने वैसे किसी का बदल व्यवहार भी नहीं किया, अच्छा जैसे परिवार के माहौल होता है ना वैसे माहौल के अंदर भी, तो बड़ी बड़ी बात नहीं है, बट एक छोटी सी कमी है कि वहाँ पे टाइमिंग की दौड़ है और टाइमिंग का कोई व्यवस्था नहीं है, अगर वो स्टूडेंट अपने पास टाइमिंग के लिए कुछ रखे जैसे होश हो या कुछ और भी चीज़ हो, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो रखे तो अच्छा रहेगा, बच्चे 15 नंबर लाने से अच्छे बच्चे काम रहा होते हैं।
यानी आपके अकॉर्डिंग प्रशासन को अंदर स्टॉप वॉच या कोई टाइम के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई गैजेट वगैरह लगाना चाहिए, या फिर स्टूडेंट्स को ये चीज़ अप्लाई करनी चाहिए कि वो अपने साथ कोई गैजेट वगैरह लेके जा सके टाइम के लिए, रिस्ट वॉच या स्टॉप वॉच कैरी करके लेके जा सके, ये कहना है जी? नहीं, ये जो इसी ग्राउंड में हो रहा है, जो कमिश्नर में हो रहा है, बाकी जैसे जो ग्रामीण में था वहाँ पे कुछ बच्चे गए थे हमारे गांव से, तो उनको ऐसा कुछ नहीं था, उनको सब ये था कि छुआ बांधने ले जा सकते थे, उनके अपन काट के लिए चाकू करके लेके गए थे, उनकी जो डॉक्टर यहीं अपने जो कमिश्नर है यहीं पर ऐसा कुछ है, और यही टाइम के लिए जब तो यहाँ पे उस वॉच लगाए, बड़ी वॉच लगाए जिसमें बच्चे देख सके भाई अपना टाइम ये हो गया, फर्स्ट राउंड इतने में, सेकेंड राउंड इतने में, या फिर वो अपने पास कुछ हैंड वॉश रखे, तो ऐसा कुछ हो तो अच्छा रहता है। मैंने पिछली बार जो 10 किलोमीटर की दौड़ की थी तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मैंने अपने टाइम भी दौड़ पूरी कर ली थी, तो टाइम एक एक राउंड का मालूम है ना तो ठीक रहता है। और आप कुछ स्पेशल चीज़ कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि जैसे बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे उनका एग्जाम टेस्ट कल है, फिजिकल टेस्ट, तो वो कंटिन्यू में दौड़ते ही रहते हैं, उनको रेस्ट करना चाहिए या कंटिन्यू में दौड़ना चाहिए? बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए, जैसे आपका फिजिकल टेस्ट कल है तो आपको आज रेस्ट ही करना चाहिए, जैसे दौड़कर मॉर्निंग वॉक, एक मॉर्निंग वॉक की जैसे आप चलकर कर सकते हैं वो 5 किलोमीटर, लेकिन उस दिन आपको रेस्ट करना चाहिए क्योंकि 12 घंटे के रेस्ट में आपकी बॉडी वो रेस्ट नहीं मानती, आपको अगर आपको फाइनल दौड़ करनी है तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ घर पर जो दौड़ना है और यहाँ दौड़ने में वो काफ़ी फ़र्क है, यहाँ आपको कंपटीशन दौड़ना पड़ता है, घर पे आपको आप जैसे दौड़ सकते हो वैसे दौड़ सकते हो, और घर पे जैसे ट्रैक पे नहीं होता, राउंड में नहीं दौड़ना पड़ता, सीधे दौड़ते हैं तो अपने बस्ते में दौड़ लेते हैं, वहाँ 26 मिनट लग रहे हैं तो कोई बड़ी बारी बारी सप्ताह लग रहे हैं तो भी कोई बड़ी बारी बात नहीं, लेकिन यहाँ तो आपको 24, 25 और 23 मिनट का हिसाब रहेगा, 1 सेकेंड का हिसाब रहता है, तो यहाँ आपको जोर लगा के दौड़ना पड़ता है, जिसके लिए आपको एक दिन का रेस्ट जरूरी है कि आप रेस्ट करके आए। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी आदत नहीं है रेस्ट की तो ये दौड़ने के पहले आप ये ट्रायल करके देख लें, 10-5 दिन पहले ट्रायल करके देख लें कि आप एक दिन के रेस्ट के बाद में 20 दिन कैसा दौड़ पाते हो, तो वो खुद पे डिपेंड करता है। ये तो आप ये कहना चाह रही कि जो स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कंटिन्यूटी में ना दौड़े, वो एक दिन का रेस्ट ले, क्योंकि बॉडी कंटिन्यूटी में वो जो रिदम रहता है वो बिगड़ जाता है, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो कंटिन्यू दौड़ते रहते हैं तो उनका भी यहाँ पे आके एनर्जी लेवल और परफॉर्मेंस लेवल ख़त्म हो जाता है। मैंने ये नहीं कहा कि कंटिन्यूटी थोड़े रेस्ट लें, मैंने ये कहा है कि 15 दिन पहले ये अपने आप खुद का फिजिकल खुद कर लें, वो कि एक दिन रुक करके वो देखें कि आज हमने रेस्ट लिया इसका कल क्या प्रोसेस रहा, कल थोड़ा जोर लगा के दौड़े कल क्या प्रोसेस रहा, अपना फिजिकल खुद भी कर सकते हैं 10 दिन पहले अपने घर पे, उसका प्रोसेस क्या रहा, अगर उसका प्रोसेस नेगेटिव रहता है फिर आपको कंटिन्यू रखना है, और रेस्ट के बाद में आपको कंपटीशन वाले दिन अगर अच्छा महसूस होता है तो आप वो टेक्निक अपनाएं, जब तो ऐसे अपनाइए एक दो बार जो भी कंपटीशन एग्जाम फाइट की उसमें ऐसे अपनाइए तो काफ़ी अच्छा ठीक रहा है। और जैसे डाइट्स वगैरह में क्या खाना चाहिए स्टूडेंट्स को, स्पेशली कुछ बताना चाहिए? हाँ बिल्कुल, डाइट वगैरह में जैसे अपने एक तो सुबह सुबह हल्का भोजन लें, आज जब भी घर पर भी दौड़े तो कुछ खाना खा के दौड़े, मैं तो मैंने तो अपने लिए सोयाबीन रखी थी, अब पूरी सोयाबीन और पूरे चने ये थोड़ा बहुत खा लेता था, उसके बाद दौड़ता था, उसके बाद में दूध लेता था, यानी कहने का मतलब है कि स्टूडेंट को खाली पेट नहीं दौड़ना चाहिए, वो चक्कर खा के दौड़ सकते हैं, कोई भी फिजिकली उनको प्रॉब्लम हो सकती है खाली पेट अगर दौड़ता है। बिल्कुल हाँ, खाली पेट दौड़ते तो थकान जल्दी आती है, पेट में दर्द भी होता है, अगर हम खाली पेट दौड़ेंगे तो पानी पी लेते हैं, अक्सर पानी पी लेते हैं तो पानी पेट में गिरता है तो दर्द होता ही होता है, और मैं बताना चाहूँगा कि जिसके अगर जिसके दर्द होता है साइड में दर्द होता है तो वो लंबी सांस नाक से ले दौड़ते हुए और मुँह से छोड़ दें, तो थोड़ी देर में मान लो 5-10 सेकंड में या 10-15 सेकंड आप दोगे ना अस्पताल तो आपका दर्द कम हो जाएगा, कम होते होते थोड़ी देर में वो खत्म हो जाएगा, जैसे पेट का दर्द अक्सर हो ही जाता है, उसका कोई वो नहीं है, दवा भी नहीं है उसकी, हो जाता है लेकिन वो क्या है ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है, शरीर में सारी ऑक्सीजन एक साथ बाहर निकल जाती है, अब दौड़ना एक साथ करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है, तो अपने एक लंबी सांस नाक से ले और मुँह से उसे रिलैक्स करें तो थोड़ा काफ़ी अच्छा दर्द को राहत मिलती है और 1 मिनट बाद दर्द खत्म हो जाता है। तो आपसे बात करके अच्छा लगा, और जैसे आप हमें ये बताइए कि जैसे आपने इसका रिटर्न एग्जामिनेशन दिया है और पहले भी आपने कई बार आज तक पुलिस का दिया हुआ है, तो इसकी ऑलमोस्ट इसकी जो एग्ज़ाम की कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है आपके अकॉर्डिंग? वो ये क्या शो नहीं करते हैं कभी भी, इन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम दिया उसके नंबर भी शो नहीं किए, काफ़ी बच्चे इन्होंने शिकायत लगे कि अगर क्वार्टर पहुँचा तो वहाँ पर काफ़ी बच्चे रिटर्न थे,
वो उनकी यही थी कि मेरे साथ 50 नंबर आ रहे हैं और मैं 47 नंबर वाला नंबर आ गया, फिर उसका नंबर आ गया, मेरा नंबर नहीं आ रहा। अब ये तो उनके काउंटिंग में चलते हैं, कमीशन में चलते यार, किस हिसाब से दिया गया किसी को नहीं रहता, ये बर्थ के बाद नहीं मालूम चलता है, मतलब उसका किसी को आगे तो मालूम नहीं चलता। इनकी एग्जाम दिए तक राजस्थान पुलिस का मिलते हैं, इसमें मालूम नहीं चलता। अभी भी आप जैसे आपने 4-5 का एग्जाम दिया तो आपको एक आइडिया तो होगा कि इतनी परसेंट कट ऑफ जा सकते हैं आप कैटेगरी वाइज, जैसे 60 अगर किसी परसेंटेज 60 से 65 70% बढ़ती है तो जनरल में आराम से ठीक है, जनरल के लिए 60 अगर कहें तो 75 अबाउ कर दो, ओ बी सी के लिए 60 और एस सी 50 तक। तो ये इसकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड जा सकती है, कन्फर्म इतनी ही जाती है, देखिए ना इसकी आसपास ही देखिए। चलिए सर, आपकी दौड़ में आप काबिल हो, आपने पहले भी इसकी प्रैक्टिस की है, राजस्थान पुलिस की पहले भी आपको इसकी परफॉर्मेंस दिया है, तो हम तो यही चाहेंगे कि इस दौड़ में आपका सिलेक्शन हो जाए, राजस्थान पुलिस में पहुँचे भी दें। सो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट फॉर यू फिजिकल टेस्ट।